वेलकम अगेन जी। तो पिछली वीडियो में आपको मैंने दिखाया लीमू का बाग, जो के मेरे कज़न का काशिफ का था। तो आज मैं लाया हूँ आपको अपने बाग में, जो के पेड़ों का बाग है और ये अभी फसल निकल रही है और ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, चलें। इनको आपने रखा हुआ है चौकीदारी के लिए जी। ठीक है। तो बेरों के बाग में आ चुके हैं जी। अभी मैं दिखाता हूँ आपको बेर लीमू में। और बेर में एक चीज कॉमन है कि लीमू के दरख्त में भी कांटे होते हैं और पेड़ के दरख्त में भी कांटे होते हैं। तो जी बेरों के बाग में आ चुके हैं। बेरों का बाग मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो ये देखें जी, माशाल्लाह जी, कि कैसे मोतियों की तरह लगे हुए हैं बेर। लेकिन ये अभी कच्चे हैं। जो बेर पक रहा है वो हम उतार लेते हैं और उसे मंडी में भेज देते हैं। रोज़ाना जी 30-35-40 बोरे निकल रहे हैं, जो के हम लोग मंडी भेज रहे हैं। ये देखें जी, ये आज हुई है तड़ाई। अब इसमें से ठांडी होंगे एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, फिर उसके हिसाब से इनको पैक करके मंडी पहुंचा दिया जाएगा। ये देखिए बेर लगे हुए हैं। आस्ते आस्ते मैं जा रहा हूँ। ये जी हमारा नुकसान हो गया। ये देखें, ये टूट चुका है, इसके ऊपर इतने लगे हुए थे बेर के, ये उनका वजन नहीं उठा सका और ये टूट गया है। ये पैरों के अंदर ही खजूर लगे हुए हैं। ये तकरीबन 4 एकड़ में है। ये मैं आ चुका हूँ जी, जहाँ पे हम सारे बेर इकट्ठे करते हैं, उसके बाद उसमें से छांटी होती है। हमें क्या खुश है। ये देखें जी, ये आज उतरे हैं बेर। अभी इनमें से जो है एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर बेर निकाले जा रहे हैं। तो आपको मैंने दिखाया कि जहाँ पे हम लोग बेर इकट्ठे करते हैं, उसके बाद उसमें से छांटी की जाती है और उसके बाद वहाँ से बेर हम मंडी के लिए रवाना करते हैं। तो आखिरी कुछ व्यू आपको मैं दिखा के फिर जो वीडियो का एंड करता हूँ। देखें ये बेर है, भी हमें दें इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
अल्लाह हाफिज़।